नमस्कार, मैं हूं अनुराधा तुरान और आप देख रहे हैं ANVNews.com। लगातार हो रही बारिश से जहां हिमाचल में भारी नुकसान हुआ है, वहीं नुकसान का जायजा लेने और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए वन परिवहन और खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को खुद मैदान में उतरना पड़ा। इस दौरान गोविंद सिंह ठाकुर ने नुकसान वाले इलाकों की भी जानकारी दी है। गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि रविवार को बंद किए गए ढोबी पुल को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार वायुसेना की मदद ली जा रही है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से राहत शिविर में हर जरूरी सुविधा मुहैया कराने के निर्देश देने के अलावा स्थानीय लोगों से भी राहत कार्यों में योगदान की अपील की है। बहनों और भाइयों, आप सभी को नमस्कार। गत 3 दिनों से हिमाचल प्रदेश में जो भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, पूरे प्रदेश में तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ब्यास नदी जो पलचान से लेकर के और तक बहुत अधिक नुकसान हुआ है और जिसके कारण से मनाली शहर को भी खतरा पैदा हो गया है, वाहन के लिए खतरा है, आलूगांव प्लात पत्रिकुल और रायसन का जो क्षेत्र और उसके पश्चात बंदरोल हो गया, कुल्लू शहर है, भुंतर है, भजौरा है, ऐसे अनेक क्षेत्रों को जो है अभी खतरा पैदा हो गया है। और इसलिए कि ऐसे में मैं सभी से निवेदन ये करता हूँ कि एक तो हिम्मत से काम लें और संयम से काम लें और प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं इस सारे काम को मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई रेस्क्यू में कोई कमी ना रहे। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए ANV News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।